हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने वाले हैं अंडे, बॉयल अंडे की सब्ज़ी। इस रेसिपी के लिए आपको 4 बॉयल अंडे लेना है, उबले हुए। 4 उबले हुए अंडे, साथ में है 2 प्याज है, 1 टमाटर है, आधी शिमला मिर्च है, ये देखें, हरी मिर्च है, धनिया की पत्ती है। ये सबसे हम बनाएंगे अंडे की, बॉयल अंडे की सब्जी। आइए इसको तैयार करते हैं, बनाने के लिए काटते हैं इसको। अब देखिए दोस्तों, अंडे की सब्जी के लिए रेसिपी तैयार है। ये कटा हुआ बॉयल अंडा, कटी हुई प्याज, छोटी छोटी शिमला मिर्च, कटा हुआ अंडा, टमाटर कटा हुआ, धनिया की पत्ती, हरी मिर्च है। सारा चीज़ काट को अच्छे से काटने के बाद अब इसे बनाने की तैयारी करेंगे। पहले पैन को चढ़ा देंगे गैस पर, उसके बाद आगे करते हैं तैयारी। अब देखिए, मैंने फ्राई पैन पर तेल चढ़ा दिया है और तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे एक दालचीनी छोटी सी, ये कुछ थोड़ा जीरा है, कुछ ज़्यादा ही गर्म शुगर लगता है, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, जीरा और दालचीनी हो चुका है, अब इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज पतला लगता है, तेल मिक्स कर लेता हूँ पूरा। हरी मिर्च भी इसमें डाल देंगे थोड़े से कटे हुए। याद रखे दोस्तों, मैंने 4 बार अंडे लिए हैं, इसके हिसाब से मैं 2 प्याज काटी है, दोनों 2 प्याज मैंने। वैसे प्याज उस हिसाब से काटना जैसे आप अंडे का आमलेट बनाने में काटते हैं। इसको हल्का गुलाबी होने तक भूनेंगे हम लोग प्याज को। प्याज अब रेडी हो चुकी है, अब इसमें हम लोग बाकी मसाला डालेंगे। पहले शिमला मिर्च डाल देते हैं, ये देखिए शिमला मिर्च डाला गया। अब इसमें कटा हुआ टमाटर, टमाटर भी डाल दिया मैंने, थोड़ा सा चला लेंगे इसको पहले, थोड़ा मिक्स कर देना प्याज। अब इसमें मसाला डालेंगे, बेसिक मसाला जो आप यूज़ करते हैं सब्जी बनाने में नॉर्मली। आधा चम्मच से कम हल्दी है, पाउडर है, आधा चम्मच लगभग मिर्च पाउडर है, हल्दी के बाद मिर्च पाउडर डाला मैंने, रखी है मसाले का। आधा चम्मच धनिया पाउडर है, चाट मसाला है थोड़ा, अगर आपके पास हो तो चाट मसाला डाल दीजिए, टेस्ट बढ़ जाएगा उससे मसाले का। नमक है स्वाद अनुसार,
इसको अच्छी तरह मिला लेंगे। पानी के साथ इसको बनाएंगे, सब्जी को पकाएंगे कुछ देर तक। पानी डाल दिया मैंने, पाँच मिनट लगभग, पाँच से छः मिनट तक इसे बनने के लिए छोड़ दें पकने के लिए। तब तक तैयार हो जाएगी सब्जी आपकी। मसाला तैयार हो चुका है दोस्तों, अब इसमें अंडा मिलाएंगे हम लोग। 12 अंडा जो कटा हुआ था, अगर ऊपर से धनिया की पत्ती भी डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देना है इसको, अंडा पूरा मसाला पी जाए अंदर अपने, उसके बाद कलर खिल के आएगा। हो गया, अब इसे 5 से 6 मिनट तक इसे पकने दीजिए, उसके बाद आपका तैयार हो जाएगा। देखिए दोस्तों, तैयार हो चुकी है आपके अंडे की सब्जी। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी उतना ही अच्छा लगेगा, मज़ेदार टेस्टी। ठीक है, आप भी इसे बनाइए अपने घर पर और खाइए खिलाइए। नए वीडियो के साथ, नए रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।